बीजापुर जिले के उसूर पामेड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 1 लाख रुपए के इनामी केएमएस अध्यक्ष सहित 14 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी माओवादियों को शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। बीजापुर डीएसपी संदीप सरकार ने बताया कि माओवादियों की जीवन शैली और विचारधारा से शुद्ध होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत डीआरजी बस्तर फाइटर कोबरा एवं सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों से, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पामेड़ एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी एवं गंगलूर एरिया कमेटी के कुल 14 सक्रिय माओवादी सदस्यों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी सदस्य माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, प्रताड़ना एवं उपेक्षा से तंग आकर, साथ ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज बीजापुर पुलिस के समक्ष समर्पण किया। गौरतलब है कि इस वर्ष अब तक 137 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वहीं इस दौरान विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 306 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है।